हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ फाइनेंस। टीम में आपका स्वागत है और मैं हूं सर्वेश। आज हम बात करेंगे चार कंपनियों के बारे में और मेरा ऐसा मानना है कि ये इनका फ्यूचर काफ़ी ग्रोथ ग्रो है और फ्यूचर में ये काफ़ी एक मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं पर्टिकुलर जिन कंपनियों के बारे में बता रहा हूँ तो मेरी आपको कोई एडवाइज नहीं रहेगी, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो सबसे पहले जो शेयर है वो है एशियन ग्रांटो लिमिटेड। एशियन ग्रांटो लिमिटेड टाइल्स में और अभी ये बाथवेयर में भी आ चुके हैं, बट शेयर काफ़ी करेक्ट हो चुका है। ऑल टाइम हाई इसका 391 गया था और अभी 50 और 53 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब ये शेयर 40 रुपये के आसपास था तब मैंने भी इसका वीडियो बनाया था, तब से काफ़ी अच्छी एक रैली हो चुकी है और काफ़ी कुछ रिटर्न मिल चुका है लोगों को। जब से 40 रुपये के बनाने के बाद ही ये शेयर ऊपर चलने लगा था और इट इज ऑल्सो गुड शेयर, इट शुड बी इन योर पोर्टफोलियो। मार्केट कैप सिर्फ 673 करोड़ है। जब मैंने बनाया था तब 450-450 करोड़ की मार्केट कैप थी। एक 673 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का अगर आप देखेंगे ना तो एक एक क्वार्टर की सेल्स ही 400 करोड़ के आसपास है, 400 450 500 करोड़ के आसपास है और सेल्स लगातार इंप्रूव होती चली जा रही है। और अगर हम देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में जो सेल्स आ रही है वो 1600 करोड़ के आसपास आ रही है। कंपनी अभी काफ़ी एक्सपेंशन मोड में चल रही है इसलिए लॉस में है, और बाकी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इसका फ्यूचर लगता है। डिटेल वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी मैंने वीडियो फुल वीडियो बना के रखा है, आप उसको चेक आउट कर सकते हो। इट इज अ वेरी स्मॉल फाइनेंस बैंक और छोटे छोटे लोन देती हैं जैसा कि मैंने अपने फुल वीडियो में बताया है। और कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ कितनी है, 5610 करोड़, 6 के PE पे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अभी कैसे वेरी डिस्काउंटेड मिल रहा है। अगर हम एक साल का इनका नेट प्रॉफिट ही देख लें तो तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट है। जो कंपनी 1000 करोड़ के आसपास एक साल में कमा रही है, ट्रेलिंग 12 में तो 917 दिख रहा है बट 1000 करोड़ से ऊपर ही आएगा क्योंकि मार्च के रिजल्ट अभी आने को है। तो 1000 करोड़ अगर एक साल कमाएगी तो 5 साल में तो कंपनी फ्री हो जाएगी। तभी तो कह रहा हूँ पी इसका बहुत कम है और एक ये भी अच्छा खासा मल्टीबैगर साबित हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। एंड चलिए बढ़ते हैं तीसरे शेयर के ऊपर। तीसरा जो शेयर है वो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसमें अभी हाल ही फिलहाल में एक अच्छा खासा जंप आया था एंड दैट वाज 2 मई को, और तब से काफ़ी मेरे हिसाब से इस टाइप का बिजनेस भी काफ़ी ग्रो होगा क्योंकि जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सारी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस करती है और जितनी इंश्योरेंस कंपनी है वो इनसे अपना खुद का इंश्योरेंस कराती है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी कुछ अभी डिमांड है और फ्यूचर में भी डिमांड बढ़ेगी। जैसे जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में इंश्योरेंस का सेक्टर का जो पेनिटेशन है वो बहुत कम है, तो मेरे हिसाब से ये कंपनी भी काफ़ी कुछ अच्छा ग्रो करेगी। गवर्नमेंट की कंपनी है, 1.32% डिविडेंड है और सिर्फ 5.39 के PE पे चल रही है, बहुत सस्ती कह सकते हैं। बिकॉज अगर हम देखें ना तो कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 30,000 करोड़ के आसपास है और स्टॉक का एक साल का रेवेन्यू तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास है। ट्रेलिंग 12 मंथ में हाईएस्ट एवर दिख रहा है, पिछले साल 2000 था 1900, तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा खासा मल्टीबैगर यहाँ से साबित हो सकता है। एंड चौथी कंपनी है, लास्ट कंपनी जो है वो विकास लाइफ केयर है। इट इज ए पेनी स्टॉक, ये मैं आपको डिस्क्लेमर बोलता हूँ कि ये पेनी स्टॉक है। बिकॉज ये तीनों पेनी स्टॉक नहीं थे बिकॉज इनके फंडामेंटल बोलते हैं, पर ये बिलो 10 रुपीज है तो ये पेनी स्टॉक है और 3 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 450 करोड़ के आसपास है, 12 के PE पे मिल रही है और कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। अगर हम देखें पिछले 12 क्वार्टर में 1 करोड़ से लेकर 8 करोड़ की जर्नी की है। जो कंपनी लॉस में थी मार्च 21 में और फिर 1-2 करोड़ के प्रॉफिट जनरेट करती थी, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 35 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से ये भी एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है यहाँ से। आई होप आपको ये चारों कंपनियों के डिटेल समझ में आई होगी। अगर आपको इनको और डिटेल में देखना है तो मैंने चारों के अलग अलग सेगमेंट में वीडियो बना के रखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो कुछ भी तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और कृपया मेरे कहने से बाय सेल मत करना, जस्ट अपना डिलीजेंस करना। आई जस्ट टॉट यू कि किस टाइप के क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, किस टाइप का ये सेगमेंट है। एंड टिल देन टेक योर सेल, बाय बाय।